चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जयंती समारोह का आयोजन बुधवार को कोतवाली स्थित एक मैरिज हॉल में कुशवाहा काछी मौर्य हितकारी समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर अजय कांत सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मुख्य अतिथि को समिति के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक महान के पद चिन्हों पर चलने और उनके विचारों को जीवन में लाने के लिए संकल्पित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर धनंजय कुमार कुशवाहा काछी मौर्य हितकारी समिति के संतोष कुशवाहा, अनुप कुशवाहा, कृष्ण कुमार मौर्य, वासदेव कुशवाहा, शंभुनाथ कुशवाहा, जयप्रकाश कुशवाहा, अमरनाथ कुशवाहा सहित कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध चक्रवर्ती संरक्षक श्रीमान अनुप चंद्र कुशवाहा जी, श्रीमान रामाधर मौर्य जी, श्री कृष्ण कुमार मौर्य जी, तथागत बुद्ध गौतम। इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान संतोष कुशवाहा जी एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नारद कुशवाहा कष्ट हैं श्री रामाधर मौर्य जी। हम जब भी बहुत ही आसान काम कठिन हो जाते हैं, इसलिए एडिशनल कमिश्नर गोरखपुर श्रीमान अजय कांत सैनी जी का स्वागत बहुत सुंदर। आज उनका स्थान स्थान पर ऋषियों में मुनियों में लगातार शास्त्रार्थ ब्रह्म एक की ब्रह्म दो, आत्मा जीव अभिन्न या भिन्न, संसार मिथ्या या सत्य, पाप पुण्य की अवधारणा काल सापेक्ष या निरपेक्ष, ऐसे तमाम दार्शनिक प्रश्न हैं जो विवादित रहे हैं, आज भी विवादित हैं, आज भी मत विभिन्न हैं, आज भी झगड़े हैं, आज भी अलग अलग उन पर संप्रदाय बने हैं और बड़े गर्व से कहा जाता है शास्त्रार्थ में इनने इनको पराजित किया। जहां धर्म में ही विजय पराजय होती हो, सिद्धांतों में ही विजय पराजय होती हो, दो दल बना के आपस में वाक युद्ध करते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो और उस दौरान अब शब्दों पर उतारू हो जाते हो, उस धर्म को पनपने का कोई अवसर उस मनुष्यता में नहीं है जो तर्क बुद्धि संपन्न है, जो धार्मिक है, जो रूढ़ है, जो परंपरावादी है, जिनका तर्क में, विज्ञान में और अपने जीवन में भरोसा कम है, वो ऐसे धर्म को अपना सकते हैं जो धर्म निरापद नहीं है। अंततः दुनिया तर्क की ओर जा रही है, विज्ञान की ओर जा रही है, तो बुद्ध के धर्म को कभी भी हम ना तो अप्रासंगिक कह सकते हैं, ना ही तर्कहीन कह सकते हैं, ना ही उस पर विवाद पैदा हो सकता है। ये जन्म उत्सव चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक की जयंती मनाई जा रही है, जो हम लोग हर साल मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसी क्रम में इस साल भी मनाया जा रहा है। और महान सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट रहे, उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं और मैं सारे समाज से भी ये निवेदन करता हूँ और चाहता भी हूँ कैसे महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके आगे निकले और भारतवर्ष में जैसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान रहे, उनको पदचिन्हों पर चल करके ये महान भारतवर्ष को महान बनाए, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं यही
कुशवाहा काछी मौर्य हितकारी समिति के सारे संरक्षक गण और सारे समिति के अथक प्रयासों से ये सारा समिति इस तरह का कार्य कर रही है, जो बहुत ही मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे इस वक्त मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर अजय कुमार सैनी जी आए हुए हैं। मैं और मंचासीन सारे अधिकारीगण का भी मैं सम्मान करता हूं, और जो कुछ समय निकाल करके इस वक्त हमारे बीच आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।